नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइव में। इस रिपोर्ट में बात करें हम अशोक गहलोत को लेकर। बताते चले कि लगातार खबरें सामने आ रही थी कि अशोक गहलोत से राजस्थान की जनता इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खुशखबरी आई है अशोक गहलोत के लिए। लेकिन कहीं न कहीं सचिन पायलट को एक नाराजगी वाला पहलू मिलता हुआ नजर आया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अशोक गहलोत के लिए वो खुशखबरी है, हो सकता है सचिन पायलट के लिए भी खुशखबरी हो, लेकिन जो जिम्मेदारी सचिन पायलट को देनी चाहिए थी वो जिम्मेदारी यहाँ पर अशोक गहलोत को देते नजर आए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर कि सचिन पायलट को लेकर लगातार जनता ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि राजस्थान में सीएम पद मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को मिलेगा। यहाँ पर अशोक गहलोत की इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन उस बीच आपको बताते चले कि अब जैसे जैसे करके समय बीत रहा है और बाकी जगहों के चुनाव बेहद नजदीक है, तो उसी बीच यहाँ पर अब खबर सामने आई गुजरात को लेकर। बता दें आपको कि अशोक गहलोत को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने गुजरात पर्यवेक्षक यानी कि उसका एक सुपरवाइजर सपोर्टर बनाया है, यानी कि वो सारी जांच पड़ताल करेगी, सारी जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से गुजरात में होने वाले चुनावों को लेकर तैयारी की जा रही है। उन्हीं सारी चीजों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाया है, यानी कि सुपरवाइजर बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात एक ऐसा गढ़ है, यानी कि जो माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो गढ़ माना जाता है। वहां से हार्दिक पटेल ने जब इस्तीफा दिया था तो उसके बाद तो हमने देखा ही था कि किस तरीके से गुजरात की राजनीति भी गर्माती नजर आई थी। लेकिन अब यहाँ पर अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई, तो अब सचिन पायलट कहाँ गए? सचिन पायलट क्यों याद नहीं आए राहुल गांधी को, जिनकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे राहुल गांधी? तो यहाँ पर आपको बता दें कि वही सारी चीजें, वही सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ एकदम एज इट इज यहाँ पर सचिन पायलट को भी दी गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में तो पहले से ही आपका वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी ने भी कितनी कोशिशें की थी, लेकिन वो भी यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाई, और जीत हासिल सिर्फ यहाँ पर भाजपा ने की। और भाजपा का गढ़ अगर वो भी माना जाए तो वहाँ पर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दे देना क्या सचिन पायलट की इमेज को गिराना है? इस सवाल लगातार लोगों के मन में उठ रहा है। इस बीच आपको कुछ ऐसी बातें बताते चले जो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप समझ पाए कि सचिन पायलट को वो जिम्मेदारियां नहीं मिली जो यहाँ पर अशोक गहलोत को मिली। तो बता दें आपको यहाँ पर पंजाब के सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजपा को भी हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए चुना गया है, यानी कि अशोक गहलोत को सिर्फ गुजरात के लिए, लेकिन सचिन पायलट को जहाँ हिमाचल प्रदेश दिया गया वहाँ पर उनके साथ साथ यहाँ पर कैप्टन को भी जिम्मेदारी दी गई। आखिर क्यों, क्या विश्वास नहीं जता पा रहे अभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी सचिन पायलट पे, जिनके लिए यहाँ पर जनता लगातार मांग कर रही है सीएम पद की, अभी भी उन पर लगातार विश्वास नहीं जता पा रहे? अब आखिरी में हम आपको यही एक चीज बताएंगे कि अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस कैसे एक बार फिर से पहाड़ी राज्य की सत्ता में अपना मुकाम हासिल कर पाती है या फिर नहीं कर पाती, तो सचिन पायलट यहाँ पर कितने सही साबित होते हैं। अब अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।